आपने शादी टूटने की बहुत सारी वजहें सुनी और देखी होंगी, लेकिन यूपी के औरैया जनपद से शादी टूटने का एक अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल दुल्हन ने सिर्फ इसलिए शादी तोड़ दी क्योंकि दूल्हा हिंदी अखबार नहीं पढ़ पाया। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बिना चश्मे के नहीं पढ़ पाना लड़के के लिए अभिशाप बन गया और शादी भी टूटी, साथ ही साथ दुल्हन भी नहीं मिली और लड़की पक्ष की तरफ से केस भी दर्ज करा दिया गया। दरअसल जिस घर में दो दिन पहले मंगल गीत गाए जा रहे थे, वही घर के दरवाजे पर जब बारात पहुंची तो लड़के को द्वारचार के दौरान चश्मे में देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल लड़की वालों ने जो आरोप लगाया है उसके मुताबिक लड़के को बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखाई देता। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जमालीपुर का है। इस गांव में रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी शिवम निवासी बंची थाना अलछदा में तय की थी। इसके बाद सारी तैयारियों के साथ लगन उत्सव और शादी की तारीख भी तय हो गई थी। इस पर लड़की वालों ने अपनी तैयारियां भी कर ली थी। दहेज में मोटरसाइकिल और नकदी देकर लगन भी चढ़ाया गया था। इसके बाद तय तारीख 20 जून को जब बारात घर पर आई तो दूल्हे द्वारा उस दौरान लगातार पूरे समय नजर का चश्मा लगाए रहने की वजह से घर की महिलाओं को संदेह और लड़की के पिता को चश्मे को लेकर शक हुआ, जिसके बाद लड़के को कहा गया कि वो अखबार पढ़कर दिखाए, लेकिन लड़का ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि सबका नतीजा ये हुआ कि लड़की ने शादी तोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।